गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं दुर्गेश और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल दुर्गेश व्लॉग्स। आज मैं हूँ लोधी गार्डन और जीडीएस ग्रुप के साथ में घुमकड़ी दिल से। अब इन लोगों से सबसे मिलवाता हूँ आपको और मैं यहाँ पे लोधी गार्डन में क्या क्या है वो दिखाता हूँ आपको। एक तो पीछे ये है मोहम्मद शाह का मकबरा यहाँ पे, और यहाँ काफ़ी लोग एक्टिविटी करते रहते हैं, जैसे एक्सरसाइज की एक्टिविटी है। पीछे मकबरे में प्री वेडिंग शूट चल रहा है, यहाँ पे योगा चल रहा है, और इधर यहाँ पे पीछे कौन सा मकबरा था वो 1444 का है ही है। क्या नाम था? मोहम्मद शाह का टॉम। अच्छा, और उनके बेटे अलाउद्दीन शाह ने बनाया था। ये सैयद डायनेस्टी अच्छा के वो थे। यह तो दो डायनेस्टी है ना, सैयद और लोधी। लोधी डायनेस्टी एक सैयद डायनेस्टी, दो है यहाँ पे। तो ये सैयद डायनेस्टी वाला था। अच्छा, उसके अलावा जो बड़ा गुंबद है आगे हम देखेंगे इसको। अच्छा, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं लोगों को। अच्छा, जो हिस्टोरियंस है उनको भी नहीं मालूम कि वहाँ पर किसका टॉम है, हैवी की नहीं है। ओके, और वो बिल्डिंग क्यों बनी है। ये माना जाता है कि ये वेलिंगटन, एक लेडी वेलिंगटन थी अंग्रेजों के टाइम पे, उन्होंने ये पार्क बनाया पूरा गार्डन। तो ये तो लोधी और इसके डायनेस्टी के बाद की बात है। तो हाँ, ये तो अभी की बात है, अंग्रेज की, अंग्रेजों के टाइम की, 1936। ओके, तो एक्चुअली में ये जो चारों पांचों मॉन्यूमेंट्स है ना, हाँ, ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। अच्छा, ये तो पार्क की वजह से एक ही गार्डन में आ गए सारे, एक बाउंड्री लाइन में आ गए सब, तो इसलिए लगने लगा कि ये आपस में कनेक्टेड है। तो यहाँ तो शायद पहले पार्क था, सॉरी विलेज था सारा, पूरा ये विलेज एरिया था। ये विलेज था, हाँ, विलेज एरिया, विलेज का नाम खैरपुर। अच्छा, ये मेरे पीछे है शीश गुंबद यहाँ पे, और मिस्टर राजन जेडिया जी कंपनी देते हुए हमें। हेलो, आप सही है? हेलो, ये जेडिया जी घर से फोन आ गया इनके। बिल्कुल यार, वही कह रहा हूँ, वही कोई परेशान करेगा ही नहीं। हाँ जी, जो हाँ, ये है शीश गुंबद, और ये पूरा शीश गुंबद है यहाँ पे। आइए चलते हैं इसके अंदर। यहाँ दीवारों पर सबके नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है, और ये मकबरे। ये इसके अंदर का गुंबद, यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह भी काफी आते हैं, अच्छी लोकेशन है ये। अभी मैं शीश गुंबद में ही हूँ, और आज बच्चे पिकनिक पर आए हुए हैं, तो जितने भी जो है यहाँ पे तोता मैना थे सब डिस्टर्ब हुए हुए हैं आज, क्योंकि बच्चे अपना हर जगह पहुँच रहे हैं अभी। ये उमेश पांडे जी ने ज्वाइन किया अभी हमें। अच्छा, हेलो हेलो। ये सामने बड़ा गुंबद, और इसके एकदम सामने है शीश गुंबद। ये सारा बड़ा गुंबद है, कैंपस है ये। काफी क्राउड आया हुआ है यहाँ पे आज, पीछे सारा यहाँ पे और दो ट्रूप आया हुआ है यहाँ पे। आज यहाँ से हमारे अफगानिस्तान से भी टूर आया हुआ है, ये सब अफगानी है यहाँ पे अफगानिस्तान से। ये हमारे जेडीएस ग्रुप है, लंच ब्रेक हो रहा है अभी। बढ़िया पार्क है ये, इसका प्री वेडिंग वगैरह और फोटोशूट वगैरह ये सब चलता रहता है यहाँ पे। अच्छी लोकेशन है, ग्रीनरी अच्छी है। ये इधर पार्क है, यहाँ का काफी क्राउड है आज। ये पार्क मल्टीपर्पज है, सुबह यहाँ पे जॉगिंग और योगा वगैरह होती है, दिनों बच्चे खेलते हैं, और शाम डलते डलते बड़े भी खेलते हैं। फुटबॉल का मैच होता हुआ यहाँ पे। ये यहाँ का तालाब,
Okay. Yes. इधर भी और इस साइड भी आदी हाँ बड़े वाली चलो इस तरफ का दूसरा नजारा हंसों का जोड़ा है यहाँ पे पीछे रहो पीछे ये आप साउंड सुन सकते हैं इन पक्षियों की इधर ये फाउंटेन भी है जिसकी टाइमिंग है आपकी ये टाइमिंग से लोधी गार्डन में कई तरह के पक्षी होते हैं यहाँ पे ये बत्तख यहाँ पे झील के किनारे सब एक लाइन में खड़ी है ये भी है खासकर कई तरह के ये हम पहुंच गए सिकंदर लोधी के मकबरे पे आइए इसके अंदर चलते हैं जिसके मेन नाम पर पूरा पार्क का नाम डाला हुआ है सिकंदर लोधी का मकबरा है यहाँ पे इसमें पे इसमें एंट्री किया लोधी गार्डन में और ये इसका गार्ड साहब बैठे हुए भारत पुरातत्व सर्वेक्षण ये इसका इनसाइड व्यू सिकंदर लोधी मकबरे में अंदर जाते हुए ये बाहर टिकटॉक वीडियो बनती हुई तो दोस्तों मेरे पीछे सिकंदर लोधी का मकबरा और ये उसका पूरा कैंपस है इस पूरे लोधी गार्डन में सबसे बड़ा कैंपस लोधी के मकबरे का ही कैंपस है ये पीछे बाउंड्री वॉल इस तरह की वॉल चारों तरफ है तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी आप बताइएगा और ये थोड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी हिस्टोरिकल मोमेंट के बारे में थोड़ा सा दिल्ली में जो अवेलेबल है चलिए दोस्तों इसी बात से इस वीडियो को एंड करते हैं वीडियो कैसी लगी आप बताइएगा आपके राइट साइड में लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है उसे आप प्रेस कर दीजिए क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो और ट्रैवल की वीडियो लाता रहता हूं चलिए दोस्तों हैव अ गुड डे बाय बाय और इस लोकेशन ने काफ़ी सारी वीडियोज़ क्लिक की हैं जो नीचे इंस्टाग्राम हैंडल पर मिल जाएंगी आपको फोटोज काफ़ी गार्डन के बंद और खुलने के टाइमिंग है